नमस्कार दोस्तों, झारखंड लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। अपने आसपास के क्षेत्र के न्यूज को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को दबाएं, साथ ही इसके सभी वीडियो को लाइक कमेंट कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पलामू नगर एमपी एमएलए कोर्ट ने क्षेत्रीय विधायक भानु प्रताप शाही को एससी एक्ट केस में बरी किए जाने पर भाजपा मंडल इकाई ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई व शुभकामनाएं दिया। विधायक प्रतिनिधि उपेंद्र दास ने बताया, 2006 में क्षेत्रीय विधायक भानु प्रताप शाही के ऊपर एससी एसटी एक्ट का केस किया गया था, जिसका कल अंतिम सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट पलामू में किया गया, जिसमें विधायक भानु प्रताप शाही को बाइज्जत बरी किया गया। साथ ही बताया, विधायक भानु प्रताप शाही सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलते हैं, चाहे वह दलित, अनुसूचित जाति, आदिवासी, पिछड़ी वर्ग से हो। सभी वर्ग के लोगों को बिना किसी भेदभाव के साथ लेकर के चलते हैं। विधायक इसी खासियत की वजह से संविधान ने भी एससी एसटी एक्ट में बरी कर दिया है। विधायक भानु प्रताप शाही तथा सभी भाजपा हमेशा से कानून और संविधान पर भरोसा रखते हैं। आज सत्य का जीत हुआ है। कुछ वैसे व्यक्ति राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग करते हैं। उनके इस कार्य से निश्चित रूप से समाज में गलत मैसेज जाता है, जो सरासर गलत है। अगर कहीं इस तरह की घटना होती है तो कानून निश्चित रूप से कार्रवाई करती है। साथ ही बताया, आज विधायक भानु प्रताप शाही को केस में बरी किए जाने से खरौंधी भाजपा मंडल खुशी मना रहा है, एक दूसरे को लड्डू खिलाकर हार्दिक शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष संध्याकर विश्वकर्मा, विनोद सिंह, बुद्धनाथ गुप्ता, राजेश प्रसाद गुप्ता, उपेंद्र भारती, सुनील रोशन, मनोज गुप्ता, नागेंद्र चौधरी, भृगुन बैठा आदि उपस्थित थे। कल जो 2006 में माननीय विधायक भानु प्रताप शाही जी के ऊपर एससी एसटी एक्ट का केस किया गया था, जिसका कल अंतिम सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट डाटेन के द्वारा किया गया, जिसमें निश्चित रूप से माननीय विधायक भानु प्रताप शाही जी को बाइज्जत बरी करार दिया गया। इस अवसर पर हम सभी मंडल के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं में काफ़ी हर्ष व्याप्त है, और मैं बताना चाहूँगा कि माननीय विधायक भानु प्रताप शाही जी सभी समाज के लोगों को, चाहे दलित परिवार से हो, अनुसूचित जाति से हो, आदिवासी से हो, बैकवर्ड हो, अकलियत हो, वंचित हो, सभी समाज को वो एकजुट ले करके चलने की उनमें खासियत है और ले करके चलते हैं, और यह निश्चित रूप से संविधान भी उनको इस काबिल समझा और संविधान के तहत उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। इससे हम सभी कार्यकर्ताओं में काफ़ी हर्षोल्लास है, और हम लोगों को और माननीय विधायक भानु प्रताप शाही जी को पहले से भी हम लोग संविधान पर भरोसा रखते हैं, कानून पर, न्यायालय पर भरोसा रखते हैं, और उस भरोसा का सत्य का जीत हुआ। और निश्चित रूप से, और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंदता को और राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ वैसे व्यक्ति एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग करते हैं, और निश्चित रूप से यह गलत मैसेज जाता है। अगर कहीं कुछ होता है तो उस पर निश्चित रूप से संविधान कार्रवाई करती है। इसलिए मैं पुनः एक बार हम सभी लोग हर्षोल्लास के साथ आज मिठाई बांट करके हम लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। धन्यवाद।